जम्मू कश्मीर के नौशेरा की भावना केसर राजौरी जिले की पहली महिला हैं, जिनका चुनाव जज के रूप में हुआ है। भावना के पिता दर्जी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पहली गर्ल हूँ और मुझे दुख भी है कि क्यों पहली गर्ल हूँ, वाई नॉट अदर्स। कि सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, अच्छे से पढ़ाई करें। एवरीथिंग इज़ ईजी, हम बस अपने दिमाग से उस चीज़ को टफ़ कर देते हैं, बट जब हम उस चीज़ पर जाएँगे, जब आप उसकी स्टडी करेंगे, तो सब कुछ ईजी है। बस मोटिवेट रहे तो एवरीथिंग इज़ ईजी। परीक्षा के नतीजे आने के साथ भावना के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भावना के पिता और दूसरे लोग उनकी उपलब्धि पर बेहद खुश थे। खुशी तो बड़ी है और होनी भी चाहिए नहीं है। इस तो ज़्यादा से खुशी इस गल नहीं होगी कि बच्चे और भी सही तरीके नाल निकल और उन्होंने घर जाके अस भी खुशी बनाओ। देखिए, कारोबार छोटा था लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। उस सोच ने आज ये मुकाम पूरे नौशहरा को दिखाया। आज नौशहरा के तमाम गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर इनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, तो हमें प्राउड फील होता है कि हमारे इस इलाका से, दूर दराज इलाका से, बॉर्डर बेल्ट से एक बच्ची उठ करके फर्स्ट जज, गर्ल जज, जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में से फर्स्ट गर्ल जज, और अगर कहूँ तो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँ तो ये जुडिशियल एग्जाम पास करने वाली फर्स्ट जज हैं। भावना ने अपनी स्कूली शिक्षा नौशहरा में की, फिर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रीडर के रूप में चुना गया। नौकरी के साथ वे पढ़ाई भी करती रहीं। जम्मू कश्मीर न्यायिक सेवा पास करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की।